में दिया है द एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो गई, 7/2 H cut omega वाली, यानी कि E थर्ड 7/2 H cut omega। ये हमें गिवन है, कितनी है ये, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी निकालनी, तो 7/2 H cut omega इक्वल्स टू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं किसकी, ई की, तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला निकालू, इसको एच न्यू फॉर्म में लिखूं, तो इसको लिख सकते हैं हम ई थ्री इक्वल्स टू 7/2 H nu, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, वो एच कट को एच अपॉन 2π, ओमेगा को 2π nu। तो यहां से न्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2E3 अपॉन 7H। मैं यहां पर वैल्यू डाल दूंगा E3 की, तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E3 की वैल्यू कितनी है 4.1, तो 4.1 इंटू 1.6 इंटू 10^-19, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया। और 7 का 7 H की वैल्यू कितनी हो गई, 6.64 इंटू 10^-34। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, इसको मैं सॉल्व करूं 3 Hz, चेक कर लेना भाई एक बार, मैच नहीं कर रहा है तो इसको आप चेंज कर लेना, ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप चेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आप लोगों के लिए एक नया बैच ला रहा हूं जिसका नाम है विजेता बैच। ये विजेता बैच जो है ये IIT जैम और CUET PG 2025 दोनों कंबाइंड दोनों के लिए ये बैच होगा। इस बैच में आपको IIT जैम और CUET PG दोनों की साथ में प्रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन हार्मोनिक ऑसिलेटर इफ द ट्रांजिशन एनर्जी फ्रॉम थर्ड स्टेट टू सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट से सेकंड स्टेट। तो थर्ड स्टेट का मतलब क्या है, थर्ड स्टेट का मतलब हो गया कि आपने एम की वैल्यू 3 रख दी, 3 रख दी थर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड स्टेट टू सेकंड स्टेट, थर्ड का मतलब हो गया 7/2 ना, थर्ड का मतलब हो गया 7/2, एम की वैल्यू 3 हो गई तो 3 × 6 7/2 H cut omega। और सेकंड का मतलब हो गया, सेकंड का मतलब एन की वैल्यू आपने 2 रख दी तो ये हो गया 5/2 H cut omega, ये हो गया। तो व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो आपको पूछा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताओ, यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी एच कट ओमेगा अपॉन 2, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो 3 से 2 तो E3 माइनस E2 जब आप करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, एच कट ओमेगा। और ये एच कट ओमेगा जो आपको गिवन है ये कितना है, 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या निकालना है, एच कट अपॉन ओमेगा अपॉन 2, तो एच कट ओमेगा अपॉन 2 निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा बी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी हुई है, हमें कौन सी एनर्जी दी हुई है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू हो गई एच कट ओमेगा अपॉन 2 या फिर एच न्यू अपॉन 2, और ये वैल्यू हमें कितनी दी है, ये दी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द ऑसिलेटर अंडरगोज, एक मिनट, इफ द ऑसिलेटर अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 2, E3 माइनस E2 वो किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू लेवल बाय एमिटिंग अ फोटोन। क्या निकाल कर जा रहा है, 3 से 2 में फोटोन निकाल कर जा रहा है। ये जो एनर्जी है E3 माइनस HE2 ये किसके बराबर होगी, एच न्यू, और न्यू बराबर होगा कितना, C अपॉन लैम्ब्रा, तो ये हो जाएगा HC अपॉन लैम्ब्रा। तो हमें बताना है व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन। तो हमारे पास यहां पर एच न्यू अपॉन 2 की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू को आप चेंज करके लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, HC अपॉन लैम्ब्रा और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 12.4। तो ये वैल्यू भी आपके पास इसका मतलब कितनी हो गई, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। आपको बताना है किसकी वैल्यू, लैम्ब्रा की वैल्यू। तो यहां से लैम्ब्रा किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ गया HC अपॉन, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी HC, H की वैल्यू 6.64 इंटू 10^-34, C की वैल्यू 3 इंटू 10^8, और ये कितना हो गया 12.4, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10^-19। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100 nm, 100 nm, यानी कि 100 × 10^-9, ये आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल गिवन बाय Vx इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट फॉर x लेस देन जीरो।
और Vx इक्वल्स टू Kx स्क्वायर अपॉन टू फॉर x ग्रेटर देन जीरो। द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हैज एन एनर्जी। देखो भाई अब यहां पर जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर होता तो इस तरह से, ये ऑसिलेटर है, इसमें x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो ये वाली साइड होगी और ये x ग्रेटर देन जीरो वाली है, तो ये वाली साइड खत्म हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि Vx यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है यहां पर, तो ये जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल है ये केवल एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, ये केवल एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अगर यहां पर n की वैल्यू 1 है तो यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी? 2। यहां पर n की वैल्यू 3 है तो यहां पर कितनी होगी? 4। यहां पर 5 है तो यहां पर कितनी होगी? 6। यहां पर कितना चलेगा? 1, 3, 5, 7 ये स्टेट चलेगी। हमें पूछा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट जो है इसकी वो कितनी हो गई? 1। इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो कितनी हो गई? 1। ग्राउंड स्टेट हो गई इसकी 1 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई इसकी 3। इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो कितनी हो गई? n इक्वल्स टू 1 और फर्स्ट स्टेट जो हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी n इक्वल्स टू 3। हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 2 h कट ओमेगा। यहां पर n की वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू कितनी डाल दो? 3। यहां आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 बाय 2 h कट ओमेगा, h कट ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होता है? अंडर रूट k अपॉन m। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 बाय 2 एच कट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के बाय। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी।